अपराध मुक्त भारत एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट नोट है वो 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज ए सिटिंग जो है डीजी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश मेरे द्वारा भेजा गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे मान्य करते हुए इसे नेशनल पुलिस मिशन अंडर माइक्रो मिशन 06 के तहत इसे मान्यता प्रदान की है और आज भी मैं इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट हेड हूँ। ठीक है ना। तो ये क्राइम फ्री भारत जो है क्या कॉन्सेप्ट है, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिशन है, ठीक है ना जी। और इसमें आम आदमी को सेंटर स्टेज पे रखा गया है, ठीक है ना। जैसे आज हमारी बड़ी समस्या है कि हम थाने जाते हैं, हमारी FIR ही दर्ज नहीं होती है और उसका बड़ा कारण ये है कि हम एक गुलाम हैं, ये नेताओं की पुलिस हो गई है, आम जनता की पुलिस नहीं रह गई है। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके कारण थाने जाके भी कोई लाभ नहीं होता है, तो क्यों ना थाने जाना ही अपने आप में निर्मूल कर दिया जाए, राइट? ओके। तो इसके लिए 4 या 5 तरीके के प्लेटफॉर्म हैं और सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है कि जो नियरेस्ट वॉलंटियर है वो अपने मोबाइल के साथ पहुंचेगा और मोबाइल में एक ऐप होगा, उस ऐप के माध्यम से आपकी FIR ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में ली जाएगी, ठीक है ना। ओके। और ये ऑडियो वीडियो ये डेट टाइम लोकेशन के साथ स्टैम्प होगा और हैश वैल्यू के साथ इसे लॉक कर दिया जाएगा, तो ये मैनुपुलेट नहीं हो सकता है। ओके। इसको कोई कटवट नहीं कर सकता है, राइट। इसमें एक प्रश्न मैं पूछूं। हाँ हाँ। वॉलंटियर कौन होंगे? वॉलंटियर जो है हर जनता के 137 करोड़ लोग होंगे, क्योंकि भारत का कानून हर भारतीय नागरिक को पुलिस अधिकारी का कानूनी अधिकार देता है। तो क्या आपको ये जानकारी है कि आपको एक कानूनी रूप पे आप एक पुलिस अधिकारी हैं? मैं एक वर्दीधारी पुलिस अधिकारी हूँ और आप एक सादा वर्दी वाले पुलिस अधिकारी हैं। मुझे अपने काम के लिए वेतन मिलता है, आपको अपने काम के लिए वेतन नहीं मिलता है जी। तो इसके लिए मैं 2-3 किस्म का थोड़ा सहारा लेके आपको समझा देता हूँ जी, तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। ठीक। इसमें पहला सेक्शन है जिसको मैं चाहूंगा कि आप गूगल से जरा उसे देख के पढ़िए भी, आपको मेरी बात पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं पढ़ के उस निष्कर्ष पे पहुंचिए। ठीक। तो पहला सेक्शन है सेक्शन 39 CRPC। ये आपको अधिकार देता है और बल्कि दायित्व भी सौंपता है कि यदि आपके संज्ञान में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस आ जाता है तो आप जो है आपके ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे थाने में रिपोर्ट करें। अच्छा। यदि आप इसे थाने में रिपोर्ट नहीं करते हैं, इस बात के लिए आपको जेल भेजा जा सकता है और बाकी जो है सभी अपराधों में ये जिम्मेवारी पुलिस और प्रोसिक्यूशन की होती है कि वो कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये सिद्ध करें कि ये अपराध आपने किया है। लेकिन यदि आपने सेक्शन 39 की CRPC की ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया है तो यह जिम्मेवारी आपके ऊपर थोपी गई है कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप निर्दोष हैं, आप इनोसेंट हैं, ऐसा बलवती कानून। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि साहब इसमें तो इतनी बड़ी आफत है और इसको आप अधिकार कह रहे हैं। जस्ट मैं पूछने ही वाला था। हाँ, क्योंकि ये तो बड़ी आफत है, आप मुझे जेल में डाल रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि आप सिद्ध करो कि आप निर्दोष हैं, आप इनोसेंट हैं, आप मासूम हैं और आप कह रहे हैं साहब ये अधिकार है। ये सही मायने में अधिकार ही है, क्योंकि इस कानूनी जिम्मेवारी के रहते कायदे से पुलिस अधिकारी आपको भगा नहीं सकता है। आप उससे कहेंगे कि मैं अपने कानूनी दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ और यदि मैं अपने कानूनी दायित्व का निर्वहन नहीं करूंगा तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा, लिहाजा मैं तो अपने कानूनी दायित्व का निर्वहन करूंगा। तो ये कानूनी दायित्व एक कानूनी अधिकार बन जाता है, जैसे किसी के साथ भी अपराध हो रहा है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अधिकार हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल अधिकार। नहीं तो आपको पुलिस वाला भगा देता। और यही कारण है कि क्या आपको ये मालूम था, आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को ये मालूम था कि सेक्शन 39 है और इतना पावरफुल है, आपको किसी ने बताया क्या?
नहीं बिल्कुल नहीं बताया, और साथ में बहुत से लोग रिपोर्ट करने भी जाते थे, यदि साथ में जाओ तो। कई दफा ऐसा भी हमें सुनने में आया है कि थाने से उनको भगा दिया गया, हाँ, और उनके साथियों को भी भगा दिया जाता है। आपको रिपोर्ट करने के लिए विक्टिम की जरूरत नहीं है, आप बिना विक्टिम के जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उसके लिए फरियादी आपके साथ होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका जो है मजबूर ये रहेगा कि ये अपराध घटित हुआ, मुझे इस तरीके से मेरे संज्ञान में आया है, और सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत मेरा ये कानूनी दायित्व तो बनता है। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपका भी जो है ना 154(1) के तहत कानूनी दायित्व तो है, मिस्टर पुलिस आप FIR दर्ज करें। अच्छा, हमें निवेदन करना छोड़ना चाहिए, हमें कानूनी भाषा का यूज करना चालू करना चाहिए, राइट। अब यदि मान लो पुलिस जो है 154(1) में थानेदार अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, तो उसी सेक्शन का 154 में एक सब सेक्शन 3 है, वो SP को अधिकार देता है कि उसके पास यदि ये मटेरियल भेजा जा सकता है, या तो वो स्वयं संज्ञान लेके विवेचना कर सकता है, या अपने किसी भी अधीनस्थ के को दे सकता है वो। अच्छा, तो अभी जो अपनी एक मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो है, हमें कष्ट ये होता है कि जिसके विरुद्ध हम शिकायत करते हैं उसी के पास वो शिकायत पहुंच जाती है। कानून में बड़ा स्पष्ट किया गया है कि SP को ये जरूरी नहीं है कि उसी थानेदार के पास, उसी डिप्टी SP के पास, उसी एडिशनल SP के पास वो शिकायत भेजे। अच्छा, वो अपने किसी भी अधीनस्थ के पास भेज सकता है, और कानून में इतने बृहद पावर दिए गए हैं कि जिस अधीनस्थ को पास वो भेजेगा उस पर्टिकुलर केस में थाना प्रभारी के समस्त अधिकार उस अधीनस्थ अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, तो वो अपने सिग्नेचर से FIR दर्ज कर सकता है वहां का थानेदार ना होने के बावजूद। ठीक, वो अपने सिग्नेचर से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और अपने सिग्नेचर से ही चालान कर सकता है, उसे थाने प्रभारी की हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। तो यदि मान लो थाना प्रभारी ने किसी के प्रभाव में है, पैसा ले लिया है, गड़बड़ी किया है, तो SP को ये बहुत ओरिजिनल पावर है, और ये पावर जो है केवल SP के पास ही है। अच्छा, बाकी लोग जो है सेक्शन 36 के तहत थानेदार के अधिकार जो है प्राप्त कर पाते हैं, SP के अधिकार किसी वरिष्ठ अधिकारी को प्राप्त नहीं होता है, राइट। तो ये जो है सेक्शन 154(3) SP का बहुत ओरिजिनल और मूल अधिकार है, ठीक है ना। ओके, अब अज्यूम करिए कि वो भी नहीं सुनता है, तो 156(3) में न्यायालय को संज्ञान लेने का और पुलिस को डायरेक्शन देने का अधिकार दिया गया है, राइट। अच्छा, ठीक, यदि मान लो कोर्ट भी नहीं सुनता है तो 442 में ये जिम्मेवारी हाई कोर्ट को सौंपी गई है, और अज्यूम करिए यदि हाई कोर्ट ने भी नहीं सुनता है तो PIL या कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में यह जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की बनती है। ओके, क्या ये सब जानकारियां थी आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं थी सर, बिल्कुल नहीं थी जी। और हम कभी अगले सेशन में आपसे बात करेंगे तो आपको समझाएंगे कि ऐसी व्यवस्था जमीन पे उतारी जा सकती है कि सरकार की भी औकात के बाहर होगा कि वो आपकी रिपोर्ट का संज्ञान ना ले। ओके, क्योंकि ये जो है आपकी रिपोर्ट का संज्ञान लेना, आपकी रिपोर्ट पे पूरा ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेशन करना, सही पुलिसिंग करना, ये राज्य सरकार की बादशाही नहीं है, ये उसकी संवैधानिक जिम्मेवारी है, जो उसे संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंट्री 2 के तहत दी गई है, राइट। ओके, इसी संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि यदि सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं चलती है तो उसे संविधान की मशीनरी की फेलवर माना जाए, राइट। राइट, और यदि संविधान की मशीनरी की फेलवर हुई है तो ऐसी सरकार को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस किया जा सकता है। ओके, राइट। अब अज्यूम करें कि अब सरकार को के विरुद्ध रिपोर्ट कौन भेजेगा और संज्ञान क्या होगा, तो संविधान में इसकी व्यवस्था भी की गई है। ओके, संविधान में जो गवर्नर का पद निर्मित किया गया है उसका मूल जो काम है कि उसे हर महीने एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना पड़ती है कि हमारी सरकार जो राज्य सरकार है इसकी व्यवस्था संविधान के अनुकूल चल रही है। तो हमारे जो गवर्नर महोदय, चूंकि वो भी राजनेता ही हैं,
तो वो जो है सही रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं भेजते हैं। क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन सभी चीजों को कलेक्ट करके उन गवर्नर महोदय को भी जो है ना बाध्य करेगा और आगे चल के PIL करके सुप्रीम कोर्ट से उनको मंडा में जारी कराएगा। क्योंकि एक, ये एक, मन, एक, में, एक प्रश्न मन में आ रहा है, एक प्रश्न मन में आ रहा है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर पूछ। इस विषय से थोड़ा सा हटकर है, ऐसा है क्या हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती है कि जो भी राज्य के गवर्नर वो कई अधिकारी वर्ग के लोग हों जिनको इस विषय में जानकारी हो? काम नहीं चलेगा। जो अधिकार अधिकारियों को दिए हुए हैं क्या वो राष्ट्र हित में, देश हित में, आम जनता के हित में यूज हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। तो इस बात का सिर्फ एक ही जवाब है कि हमें समस्या के मूल में जाना होगा। ये राजनेता उस मूल में जाना नहीं चाहते हैं। 75 वर्ष की आजादी के महोत्सव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र